आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। सानेहा लाहौर का जनरल डायर कौन है और क्या ताहिरुल कादरी साहब की आमद से ऐवाने इक्तदार के दरो दीवार हिल रहे हैं, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से दो तिहाई तरमीम है, खुदा के लिए तरमीम खत्म करके इसे बादशाह बना दे, ये मम्लुकत शरीफी या पाकिस्तान नाम रखते हैं। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूँ पारस खुर्शीद। हवाई जहाज का नून लीग की सियासत में बहुत बड़ा किरदार है। माजी में मियां बरादरान के जलावतनी की कहानी भी हवाई जहाज का रुख मोड़ने से शुरू हुई थी। ये रुख ऐसा मुड़ा कि इसके साथ पाकिस्तान की तारीख का रुख भी मुड़ गया था, और फिर इसके बाद जब सऊदी अरब से आने वाले मियाँ साहब के जहाज का रुख मोड़ा गया तो किस्मत ने परवेज मुशर्रफ से मुंह मोड़ लिया। अब एक बार फिर नून लीग है, जहाज है और इस्लामाबाद एयरपोर्ट है। कादरी साहब का कहना है कि मियां साहब की हुकूमत ने उनके जहाज का रुख मोड़ने का प्लान बना रखा है। अगर ये बात सच है तो लगता है कि नून लीग ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। दूसरी बात यह है कि किस किस का रुख मोड़ेंगे, क्या अच्छा नहीं कि लोगों का रुख मोड़ने के बजाय तदब्बुर से, फहमो फरासत से, अक्लो दानिश से हालात का रुख मोड़ दिया जाए। लेकिन क्या सानेहा लाहौर हुकूमत और इसके बाद के वाकयात हुकूमत के तदब्बुर, फहमो फरासत और कठिन हालात से निमटने की सलाहियत के अक्कास हैं? अब सवाल यह है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी की आमद वाकई हुकूमत के लिए कोई खतरा बन सकती है या हुकूमत के अपने ही इकदामात खुद उसे खतरे में डाल सकते हैं? सवाल यह भी है कि क्या वो कुव्वतें भी जिनके बगैर अहम फैसले नहीं हो सकते आज हुकूमत के खिलाफ हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? क्या ताहिरुल कादरी साहब को इमाम इनकलाब बनाने के लिए तैयार है? क्या इंतखाबी इस्लाहात और निजाम की तब्दीली के नारों का मिलाप हो सकता है? और सवाल यह भी है कि 2013 और आज 2014 में कादरी साहब की आमद में फर्क क्या है? इसी बारे में प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन से, हमारे साथ मियां मनान साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक से हमें ज्वाइन किया है उमर रियाज अब्बासी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फयाजुल हसन चौहान साहब और रजा खान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबिक मीडिया मैनेजर डॉक्टर ताहिरुल कादरी हैं, बहुत शुक्रिया आप सबकी प्रोग्राम में शिरकत के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। उमर रियाज अब्बासी साहब, आपसे शुरू करते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब का इस्तीफा क्यों आप लोगों के लिए काबिले कबूल नहीं है, और क्या शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफा आप लोगों के गुस्से को ठंडा कर देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहली बात तो ये है कि हिस्ट्री में अगर आप देखें जनरल डायर की या रंजीत सिंह की और ऑनवर्ड जितनी भी बर्बरियत या मकबूजा कश्मीर में, म्यांमार में जो हुई, उससे बढ़ के या उसकी जो तस्वीर, जो मंजरकशी है, उसका रिवाइवल हुआ है लाहौर के अंदर। सबसे पहली बात आपने कही राणा सनाउल्लाह साहब का इस्तीफा काबिले कबूल नहीं है जी। उसमें एक चीज़ देखें, राणा सनाउल्लाह साहब वो शख्स है कि जो कलदम तंजीमों के लीडर्स को रिलीज़ करवाते हैं, उनकी बेल्स करवाते हैं और उनके फूलों गले में फूलों के हार डाल के अपनी इलेक्शन कंपेन में उनके साथ घूमते हैं, ये हर शख्स जानता है। दूसरी बात यह है कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब काबिल एहतराम है, चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो इतने वेल एस्टेब्लिश हैं कि सुबह 6 बजे मीटिंग में आ जाते हैं और उनकी मर्जी के बगैर उन्होंने खुद कहा है कि पत्ता भी नहीं हिलता जी। CCPO ऑपरेशंस कैसे स्ट्रेट फायर कर सकता है नहत्ती खवातीन पर जो हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख मांग रही हैं, ये हमने कहीं भी नहीं देखा। और दूसरी तीसरी बात यह है कि बैरियर्स अगर बाहर थे तो क्या दिन के उजाले में बैरियर नहीं हट सकते थे? वो भी कोर्ट के ऑर्डर्स हमारे पास हैं। 4 साल पहले मोहल्ले की कमेटी बनी हुई है जिसके सोहेल वड़ाइट साहब एक नामवर सहाफ़ी हैं, वो गवाह हैं कि शिकायत नहीं थी, कोर्ट के कहने पे वो बैरियर लगाए गए। गुस्सा कैसे ठंडा हो सकता है? मैं बताता हूँ गुस्सा कैसे ठंडा होगा। मुझे बताएं पाकिस्तान की या दुनिया की किसी किताब में, कानून में ये लिखा हो कि एक तरफ नहत्ते लोग हैं, आप बारूद लेकर गोशे दरूद पर हमला आवर हूँ, जो शख्स 72 साल गोशे दरूद में दरूद सलाम पढ़ रहा हो आप उसे बालों से घसीट कर उसको गोलियां मार के लाश को ठुड्डे मारें, आपके मीडिया ने दिखाया,
जिस बहन ने अपनी बेटी गले से लगाई हो वो बेटी नीचे फेंक के उसका स्कार्फ उतार के कमीज फाड़ के, ये सब हो गया ना। अब मसले का हल भी तो होता है। हल कैसे होगा? ये तो एक हफ्ते से बातें हो ही रही है। टारगेट किलिंग है, ये टारगेट किलिंग है। हल मैं बताता हूँ, ये टारगेट किलिंग थी। हुसैन मोहिउद्दीन साहब जो डॉक्टर साहब के बेटे हैं उनके बेडरूम में फायर मीडिया ने दिखाए, वो बैरियर उनकी छत पे या बेडरूम में तो नहीं था। मकसद था डॉक्टर साहब की फैमिली को असैसिनेट करना, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना कि आपको सबक सिखाएंगे इसलिए कि आपने अफवाह पाकिस्तान की हिमायत की है, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, डिप्राइव्ड मैसेज आपके साथ खड़े, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देना था। मैं मोहल्ले में रहता हूँ, आई टेल यू, वहाँ आप अपनी बारी पे रहना भाई, पहले मुझे मुझे मैं आपसे जरा डिटेल में इस पे बात करूंगी। वहाँ के लोग थे, आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल मैंने मान ली, बड़ी अच्छी आपने बात की। दूसरी बात ये, आपने हल नहीं बताया। अच्छा, और आपको इस बात पर, आप लोग ये क्यों समझ रहे हैं कि ताहिरुल कादरी साहब की आमद से हुकूमत जो है वो कुछ बौखलाहट का, कुछ घबराहट का, कुछ परेशानी का शिकार है, और जो लाहौर का सानिया है वो आप लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, सबक देने के लिए? देखिए, ऑनवर्ड पिछली हिस्ट्री उठा के देख लें, जो बयान थे इनके मिनिस्टर्स के, जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है परवेज रशीद साहब की, राना सनाउल्ला साहब की, आबिद चिरली साहब की, और इवन ख्वाजा साद रफीक साहब की, कि हम जिन निकाल देंगे वो फलां है। यानी आप एक लीडर को इस तरह से थ्रेटन कर रहे हैं, और उसके बाद टारगेट किलिंग का जो सिलसिला आपने अपनाया रात 2:30 बजे, पैमरा का चेयरमैन रात की तारीकी में, इसी तरह दीगर इदारों के चेयरमैन बरतरफ करने हो, तैनात करने हो रात की तारीकी में, ऑपरेशन भी रात की तारीकी में। दहशत गर्दों से 4 माह मुदाकरात हो सकते हैं, लेकिन वो निहत्ते लोग 5 मिनट के लिए उनसे बातचीत नहीं हो सकती थी? ये स्टेट टेररिज्म था, इसकी जवाबदेही चीफ मिनिस्टर साहब दिन में आवामी काम होते हैं, रात को इंतजामी काम होते हैं। सब्जाजार से लेके असलम बोदीवाला, आबिद बॉक्सर, उमर विर्क, ये कौन लोग हैं? ये कैरेक्टर्स हैं, ये किलर्स हैं। मियां मनान साहब, क्या हो गया हुकूमत को, क्यों पैनिक में है जैसे कि ये बात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कह रहे हैं ना पैनिक में, हम किसी पैनिक में नहीं है। अच्छा, बात ये है कि सियासी तारीख में या कौमों की तारीख में हम किसी एक आदमी के पे गोली चलाने की सख्त मजम्मत करते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी एक बाकायदा डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। एक घर में या एक मोहल्ले में कत्ल हो जाए ना, उसकी भी तफ्तीश होती है। हुकूमत मजम्मतें नहीं करती, आपके बारे में कहा जा रहा है आपकी हुकूमत खुद अपने ही ऊपर खुदकुश हमले कर रही है। वो बात की बात है, हम जो कर, मुझे आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ले ले, हम सियासी लोग हैं, हमें पता है सियासत किस तरह। बिल्कुल आपको पता है, जानना चाह रहे हैं आपसे। अब आप, इन्होंने भाई साहब मोहतरम ने शुरू किया उस वाक्य से, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उसका, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं, उस पे पूरी डिटेल से इंक्वायरी करते हैं, और उसमें जो भी जिम्मेदार होगा उसको इंशाअल्लाह ताला पूरी सजा मिलेगी। अच्छा, अब वो क्या तरीका है, हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल इन्हें मंजूर नहीं है, हमें कोई इतराज नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बन जाए, हमारे लिए तमाम एपेक्स कोर्ट जो हैं वो काबिल एहतराम है, सुप्रीम कोर्ट का हम एहतराम बन के, लेकिन किसी ना किसी ने तो तैयार करना है। लेकिन उन्होंने अपना मुतालबा बता दिया है ना आपको कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के वो साइट पे हो जाएं। मेरी बात सुने ना, बात ये है चीफ एग्जीक्यूटिव आज तक दुनिया में कभी साइड पे नहीं हुआ, मुतालबा उनका है, कभी किसी ऐसे और इससे बुरे या छोटे हादसे पे दुनिया में, मुझे कोरिया में नहीं हुआ, मुझे कश्ती डूब गई थी, कहां, कोरिया में, बल्गारिया में हुआ है, 15 बंदे बिल्डिंग गिरी, स्टेट मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, स्टेट मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। हमने मिनिस्टर को जो, देखे मेरी बात सुने, जिस पे बहुत सारे लोगों को पहले दिन इनको भी इतराज था, बाकी लोगों को भी इतराज था, सनाउल्ला पे, सनाउल्ला को फारग कर दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फारग कर दिया, जिनके थ्रू ये पैगाम दिए गए, मीटिंग हुई थी, जिनके थ्रू ये पैगाम दिया गया कि इसको रोक दो। हम ये देखें मेरी बात सुने, हम आपसे ज्यादा जिरा इस करके नहीं करते कि हम चाहते नहीं कि किसी किस्म का फस क्रिएट हो, हम दो चीजें बड़ी क्लियर चाहते हैं, आप मानेंगे तब भी, आप नहीं मानेंगे तब भी, या जुडिशियल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट का कमीशन करेगा या हाई कोर्ट का, ठीक है, किसी ना के, और वो कहे कि फलां 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 इसमें जुर्मदार है, ठीक। राणा साहब के इस्तीफे से डैमेज कंट्रोल हो गया है आपके ख्याल में, या कोई डैमेज हुआ ही नहीं है? फाइनल, नो, फाइनल रिपोर्ट आएगी जो इंक्वायरी मुकम्मल होगी जुडिशियल की। ठीक ठीक,
फयाज़ उल हसन चौहान साहब, कहा यह जा रहा है कि कुछ दिनों पहले का जो बिगाड़ था, जो बिगड़े हुए हालात थे, उनको संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मियां साहब ने अपने एक अहम मोहरे की कुर्बानी दे दी है। आप क्या कहते हैं, कुर्बानी कबूल हो जाएगी या हालात खतरे से बाहर है? जो कि राना सनाउल्लाह कहते हैं उन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दे दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, बात यह है कि दुध पीण नू पाक परी ते कुट खाण नू जुमा। यह सारी दुनिया जानती है कि पिछले 8 माह से मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने अपने बेटे हमजा शहबाज को डिफेक्टो वज़ीर आला बनाया हुआ है। इसमें कोई ना इल्ज़ाम वाली बात है, ना दशनाम वाली बात है, ना इस्तेहज़ा वाली बात है, ना कोई लानतान वाली बात है। ये बिल्कुल क्लियर बात है जिसको आपकी ब्यूरोक्रेसी को भी उन्होंने डिलीवर किया हुआ है पंजाब की जाना ये आर्डर, और ये आपकी बाकी पूरी नून लीग की लीडरशिप को भी। और ये भी एक फैक्ट है कि जब ये ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन ज़र्बे ग़ज़ब, तो उस वक्त हमजा शहबाज साहब मिनहाजुल कुरान सेक्रेटरी से कुछ फासले पे बैठे, वो सारा ऑपरेशन जो है उसको मॉनिटर कर रहे थे। अब जब कुर्बानी देने की बारी आई तो आप राना सनाउल्लाह साहब को जाओ, आपने कुर्बानी का बकरा बनाने लगे हुए हैं, और वो भी कुर्बानी का बकरा नहीं बना रहे, उनको इन्होंने इस इस्तीफे की जो है वो वॉशिंग मशीन में से गुजार करना, दोबारा नीट एंड क्लीन करके जाओ, लोगों के सरों पर मुसल्लत कर देना है। अच्छा। बात यह है कि ये उस वक्त तक नहीं होगा इसका जो है वो डैमेज जो है वो उसका कंट्रोल या उसका रेमेडी या उसका कसास, जब तक गुल्लू भट, उल्लू भट, लल्लू भट और चुल्लू भट सारे के सारे जो है उनको इस्तीफा देकर उन्हें आप सो मोटो एक्शन ले सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये जुडिशियल कमीशन इस पाकिस्तान के अंदर किस जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर कानून और आईन के मुताबिक अमल हुआ है 1947 से लेकर आज तक? मुझे बता दें, ये जुडिशियल कमीशन जो है ना, ये टोटली फ्रेक फ्रॉड और एक फेक किस्म की जो प्रैक्टिस है, ये सुप्रीम कोर्ट इसका सो मोटो एक्शन ले। 14 अफराद की शहादत हुई है, सीधी सर के ऊपर गोलियां मारी गई हैं, खवातीन के सरों पे गोलियां मारी गई हैं। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमारी नून लीग की क्यादत ये कहती है, और मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने जो उस दिन बयान दिया, बड़ा मजाया खेज बयान था, वो भाई मैं कोई इंतजामिया हूं कि मैं जाके जो वहां पर ऑपरेशन करूंगा? तो जनाबे वाला, जिस अकबर भुगटी केस में आप पूरी अरबों रुपए लगाकर उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या परवेज मुशर्रफ गया था जो वो उधर भुक्टी में जाना वहां उनको मारने के लिए? और जिस लाल मस्जिद के इशू पे, सुने, जिस लाल मस्जिद के इशू पे इन्होंने 2008 का इलेक्शन जीता, जिस 2000 लाल मस्जिद के इशू पे इन्होंने आज तक जो 2013 का इलेक्शन जीता, क्या उस लाल मस्जिद के ऑपरेशन में परवेज मुशर्रफ जो है वो टैंक और आपकी जो है वो एंटी एयरक्राफ्ट लेके खुद वहां पे आए थे? नहीं जनाब, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वही जिम्मेदार है। हुकुम था, हुकुम 13 तारीख को और 16 तारीख को मीटिंग्स हुई हैं जिसके अंदर फैसला हुआ कि इसमें नाजुक कुरान के लोग, ये डरपोक लोग हैं, इनके ऊपर जरा सी गोली चलेगी, ये इनकलाब, तब्दीली, रियासत से टकराना, हुकूमत से टकराना भूल जाएंगे। बिल्कुल, ये सब का सब चीफ एग्जीक्यूटिव की जब छतरी तले हुआ। लेकिन उसके बावजूद रजा खान साहब धन धौंस और धांधली की जो हुकूमत है ना, उसे खत्म करने के लिए ताहिरुल कादरी साहब आ रहे हैं, तो इस पे जरा कमेंट कीजिएगा जो आप पहले करना चाह रहे थे। और दूसरा जानना मैं आपसे चाह रही हूँ, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की शख्सियत क्या है आपके ख्याल में? वो एक मजहबी रहनुमा है, वो एक या सियासी रहनुमा है, अवामी रहनुमा है, निजात दहिंदा है, क्या है? उन्होंने 3 कैप्स पहनी हुई है जी, बेसिकली रिलीजियस लीडर सब, फर्स्ट ऑफ ऑल सारी दुनिया जानती है शेखुल इस्लाम नाम, वो सारा कुछ, एक एनजीओ है, एनजीओ के नाम से रजिस्टर्ड है मिनाजुल कुरान जी, और फिर कभी कभी जो है वो सियासत में भी, यू नो, ऑफ एंड ऑन ही जस्ट कम्स इन। अब मैं उनके साथ रहा तकरीबन 8 माह रहा मीडिया मैनेजर, लॉन्ग मार्च वाले दिन थे, बड़े अहम दिन थे, तो आई फाउंड आउट वन डे आई आस्क्ड हिम डायरेक्टली, मैंने उनसे पूछा कि सर ये लॉन्ग मार्च की कॉल आपने क्यों दी थी? कहते जी बस वो मैंने जोश में इतने लोग देखे, 23 दिसंबर पर मेरी जमात ने इकट्ठे किए थे और एकदम मुझे जोश आया और मैंने कहा जी चलें इस्लामाबाद चलते हैं, एंड दैट मेड मी थिंक दैट दिस इज हाउ ही बिहेव्स, यानी ही गेट्स दीज ब्रेन वेव्स, इनको ब्रेन वेव आती है कि चलो जी, और कुर्बानी जो है वो बेचारे वर्कर, वो जो सो कॉल्ड मुरीद हैं, ठीक है, पढ़े लिखे लोग भी हैं लेकिन वो चंद हैं, जिस तरह उमर रियाज अब्बासी साहब हैं, लेकिन ज्यादातर तो बेचारे गरीब दूर दराज के देहात से अपने बच्चों समेत पहुंच गए वहां पे, लिखे लोग जो उमर रियाज अब्बासी जैसे, इनको नहीं पता? कम नहीं, नहीं, लेकिन ये भी उस इदारे में पढ़े हुए ना, अब आई हैव नो आइडिया व्हाई इज ही विद हिम, बिकॉज आई गॉट डिसिल्यूशन कंप्लीटली। जब मैंने ज्वाइन किया था मैं भी बड़ा आइडियलिस्टिक था, ठीक है, उमर रियाज अब्बासी के साथ साथ ही मैंने तकरीबन प्रोग्राम किए होंगे, कुछ कम किए होंगे, ठीक है, मैंने बड़े एग्रेसिवली डिफेंड किया मैंने, बट आई फाउंड आउट व्हेन आई सॉ हिम क्लोजली, मैंने इनके इनसे ज्यादा करीब से देखा, टू बी ऑनेस्ट, ये बड़े मेहनती वर्कर हैं, आई मस्ट प्रेज हिम, लेकिन ये उनके करीब नहीं जा सकते, उनके करीब जो टोला है वो पैसों वाला टोला है, उनके पास पैसे हैं और वो हाजी मंजूर टाइप कैरेक्टर और दूसरे कैरेक्टर दाऊद मशदी जैसे जो बैठे हैं, जो चंदे लाते हैं लंदन से, और दूसरे वो करीब हैं,
इन जैसे वर्कर इनको तो टैक्सी के लिए पैसे नहीं मिलते थे, पूछ लें आप इनसे, ये पिछली दफा प्रोग्राम्स में जाते थे, इन्होंने कई दफा गुजारिश की, इनको तो टैक्सी के लिए पैसे नहीं मिले इस्लामाबाद में। तो नहीं करें कि आज आप उनके साथ नहीं हैं या फिर जो अटैचमेंट जिस वजह से उनकी वो नहीं बना सकती। आप एक दूर से बैठ के मैं आपसे कहूं कि जी पारस खुर्शीद ऐसी है, मैं आपके पास आपकी टीम का हिस्सा बनूं, आपका कोलीग बनूं, आपको करीब से देखूंगा, दिस इज हाउ यू बिहेव, थिंग्स आर डिफरेंट। आई सॉ हिम एज एन एम्प्लॉयर, मुझे वो पर्सनल स्टाफ ऑफिसर भी उन्होंने रखा हुआ था इन एडिशन टू मीडिया मैनेजर, जिसने मिलने आना होता था वो मेरे थ्रू आके उनको मिलता होता था। तो मैंने देखा कि जो उनके पास पैसे हैं, जो अमेरिका से, यूरोप से, नॉर्वे से फंड भेजते हैं, वो तो उनको तो यूं टाइम मिलता है। और जो उमर रियाज अब्बासी साहब जैसे जो लोग हैं और इनसे भी जो गरीब लोग हैं, वो बेचारे बाहर कंटेनर में बैठे रहते हैं, ज्यादा चंदा दे, ज्यादा करीब आप ये कहना चाह रहे हैं। जो पैसे का प्यार मैंने उनकी शख्सियत में देखा है कि पैसे वाले की इज्जत देखी है, आई लॉस्ट फेथ इन हिम कंप्लीटली। सबूत है इस बात के, आप इल्जाम उस वक्त लगाएंगे, कैसे लोग यकीन करेंगे, लाखों हजारों उनके अकीदतमंद हैं, उनको नहीं पता लिसन टू मी पारस ही सेज कि जी मेरा बिजनेस है, मैं उनके बेटे का क्लास फेलो भी रहा हूँ, हसन का, बड़े का, ठीक है। मैंने कई दफा पूछा भाई आखिर वो बिजनेस है कौन सा कि आपके घर में 20 लाख का जनरेटर भी है, मुसलसल बिजली के लिए डीजल भी आ रहा है एंड ऑल दैट, और खुले खाने चल रहे हैं, रात को 3 करोड़ की गाड़ी में बैठ के ग्लोरिया जींस भी जाया जाता है, हार्डीज जाया जाता है, ये खर्चे कहाँ से आ रहे हैं? He had no reply. 11 कनाल की एक जमीन ली है बैरियर निशेमन के पास गजुमता से आगे, भाई वहां पे फार्म हाउस बनेगा। ये जब उनसे पूछे मेरा एक बिजनेस है, मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, the hell with that business, tell us what is that business, the business hai kya, what is that business, rahnumaon se koi poochta hai ki aapke paas paisa kahan se aa raha hai, to fir aap Islami leader na bane, fir aap siyasi leader bane, baakiyon ki tarah aap maidan mein aaye, aap kahe main aaj se religious leader nahi hu, main ek siyasi leader hu, you should leave। ठीक है उमर रियाज अब्बासी साहब, कादरी साहब की जो लोगों के साथ अटैचमेंट है, तो ये रिश्ता क्या है, वो एक मजहबी तौर पर है या एक सियासी रहनुमा के तौर पर है? देखिए रजा साहब ने जितनी बातें की मैंने तहम्मुल से सुनी, वो भी सुनेंगे प्लीज, बात मैं उम्मीद करूंगा जितनी देर में गुफ्तगू करूंगा तहम्मुल से सुनेंगे। सबसे पहली बात तो ये है अपने हवाले से, मैं तहरीक मिनहाजुल कुरान या पाकिस्तान अवामी तहरीक का पेड मुलाजिम नहीं हूँ, मैं डॉक्टर तहरुल कादरी साहब का स्टूडेंट हूं और हमने कब्र नहीं हश्र तक एक कमिटमेंट की है स्पिरिचुअल, और 95 से 19 साल हो गए बड़े करीब से देखते हुए, जब शायद रजा खान साहब ज़माने तालिब इल्मी में थे तो हम यूनिवर्सिटी में जब छुट्टियां मनाते थे तो डॉक्टर तहरुल कादरी अपने हाथों से खाना भी खिलाते थे। ये उनकी ज़ात, प्राइवेसी, पर्सनल लाइफ हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। जिस शख्स की किताबें 1000 से ज़ायद हों, सीडीज़ हों, अगर सिर्फ उनकी रॉयल्टी ले ले तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में माहाना करोड़ों की आमदन उस शख्स की हो, वो एक पैसा भी अपनी जात पे हराम है, वो इदारा में हज़रत कुरान में और वेलफेयर में जाता है। और एक दूसरी बात यह है, वो एक कप चाय का या एक खाने का अगर इदारा में हज़रत कुरान की चैरिटी से या उस पैसे से साबित हो जाए तो मैं बहसियत उमर रियाज अब्बासी अपने आप को विथड्रॉ कर दूंगा केस से। तीसरी बात, रजा साहब ने कहा ये वहां पे बिल्कुल एज ए सर्वेंट थे, मुलाजिम थे, मीडिया मैनेजर थे, लेकिन मैं नहीं मानता कि इतनी हद तक डॉक्टर साहब किसी से इतनी फ्रैंकनेस से बात करें। डॉक्टर तहरुल कादरी का किरदार, उनका अमल और उनकी सीरत पूरी दुनिया जानती है, हमें किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, ब्लेम गेम इससे पहले भी होती रही है। असल सिचुएशन ये है कि इस तरह के कैरेक्टर्स, इस तरह के लोग इसलिए बुलाए जाते हैं ताकि कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए, चीजों को डाइवर्ट किया जाए। डॉक्टर साहब मैं एक मिसाल देता हूं, उंगली नहीं उठाई उन्होंने, आप ये ना कहें कि कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए बुलाया गया, वो उसी में आता है ना कि जमीन ले ली, जमीन अपनी राय है, अगर एक सबूत दे दें, आपको राय देने का हक है तो उनको भी राय देने का हक है, उसे नहीं कह रहा, आप ये ना कहें राय की नफी नहीं की, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर जमीन ली है तो सबूत दें ना, बगैर सबूत के कोई बात नहीं होती। जिस शख्स ने वहां पे गोशाए दरूद कायम करके 24 घंटे, कि याद साफ क्यों नहीं है उनके, वो उनके पर्सनल डिफरेंस हो सकता है, सैलरी का इशू हो, कोई और इशू हो, भाई मेरे पास अगर निवाला भी नहीं होगा ना रजा खान साहब को, मैं बता दूं मेरे पास निवाला नहीं होगा, मैं अपनी कमीज भी बेचनी पड़े, मैं अपने कायद के साथ खड़ा हूँ, इसलिए मोहब्बत नहीं, बोलना सिखाया, बोलना पीरी मुरीद नहीं है, मैं मैट्रिक में फेल हो गया था, मुझे मिनहाजुल कुरान ने ग्रूम किया, पढ़ाया, सिखाया, अंदाजे तकल्लुम दिया, आज मैं अगर यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे रहा हूँ, टीवी चैनल पे जा रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, दिमागी मजदूरी, तो ये डॉक्टर तहरुल कादरी का कमाल है, वरना मुझ जैसे लोग कोई शख्स पूछता नहीं था। इदारे में पैसे वाले आपसे करीब है या आप करीब है? नहीं मैं करीब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा फोन आपको एक दफा कभी घर के अंदर एंटर नहीं देखा, एंटर नहीं, मैं लाहौर जाता ही कम हूँ, मेरी जिम्मेदारी इस्लामाबाद में, डॉक्टर साहब से पैसे वाले एंटर हो जाते हैं, उनके बेटू से पैसे वाले ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, रास्ते से कुछ नहीं होता, क्यों नहीं होता, पैसे वाले आप करीब थे, दूर चले गए, हम दूर हैं, इसीलिए
लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बत बढ़ गई, इनकी कम हो गई, क्यों ये भी तो एक सवाल है। मियां मनान साहब, ताहिरुल कादरी साहब ने ये कहा कि आप लोग जो है ना हुकूमत वो फौज और उनके दरमियान जो है गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? मुझे अगर इजाजत दें, कादरी साहब आ रहे हैं, अगर इंकलाब ला रहे हैं, जो कोई इंकलाब नहीं आ सकता, कोई इंकलाब नहीं आ सकता, क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। ये मेरी पहले इन बातों का मुझे इजाजत दें जवाब जी प्लीज। आज मैंने तहिया करके आया था कि आपके प्रोग्राम में मैक्सिमम तहम्मुल से काम लूं। अच्छा किया आप। और आप नोट भी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। बात यह है जी कि इन्होंने कहा फयाजुल हसन पे कि 13 और 16 को मीटिंग हुई ब्रेन वेव है, इन्होंने को मीडिया टेलीविजन फिट किया हुआ है या CCTV कैमरा। ताहिरुल कादरी साहब फरमाते हैं मेरा जहाज डिवर्ट कर दिया जाएगा, ये हवाई बातें करना छोड़ दें, कौम को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। हमने उस वाक़े पे अफसोस का इजहार कर दिया है। अभी अब्बासी साहब ने फरमाया है आप सबकी मौजूदगी में कि उनकी 1000 किताबें हैं, CD हैं, करोड़ों रुपए महीने की इनकम है। किस मुल्क में आप हिसाब देते हैं, कनाडा में या पाकिस्तान में? इसी एक बात पे फैसला कर लें। किसका हिसाब, किस चीज का? ट्रस्ट को जाती है पैसे। ट्रस्ट का दें साहब, ट्रस्ट का दें। हमारा अकाउंटेबल टू द डिपार्टमेंट। यार शोर ना करो, NTN नंबर है। अच्छा। हमारे पब्लिक चले, मैं आपका NTN नंबर निकलवा के आपका हिसाब निकलवा लेता हूं। कौन होते हैं वो सारा जिन्होंने ऑडिट करवा लेंगे, वी हैव ऑल द अथॉरिटी। अगर हमारे मुल्क में टैक्स फ्रॉड कोई करेगा तो हम निकलवा लेंगे। आप हुदैबिया पेपर में मेहरान बैंक के निकाले, तुम हुदैबिया निकाल लेना। अल्हम्दुलिल्लाह दामन साफ है, एक पाई भी कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता। लेकिन आवाज ऊंची करने से कुछ नहीं होता। आपको पता है उनका डायरेक्टर फाइनेंस कौन? उनका डायरेक्टर फाइनेंस झूठे इल्जाम लगाना इनकी आदत बन गई है। खुदा की लानत हो उस पे, हो जो लानत अल्लाह का नाम लेकर जो झूठ बोलता उस पर, हो जो बगैर सबूत के झूठ बोलता है, जो उस पे लानत हो जो बगैर सबूत के झूठ बोलता है, जो ट्रेन में करे जो बुधहाद उल्ट गया है, ये हो गया है। आपने गोलियां मारी है, आपने औरतों को बच्चों को निहत्ते लोगों को मारा है। ये सियासत है, ये जमीयत है। मैंने नहीं मारा, मुझे तो मीडिया ने लिखा है। मेरी तरह मुंह मत करो प्लीज। कमीशन बनाए ना, ऐसे मुराद है? गोली नहीं चलाता, नाम का गोली चलाना आती। अभी आप इतना मुझे दबा रहे हैं तो लोगों को क्या दबा सकते? मैं आप दोनों को मौका नहीं दूंगी अगर आप ऐसे बात करेंगे तो। हमने आपकी बात की थी, आप खुद एग्रेसिव हुए, सबूत से बात करें। मैंने मेरे बड़े भाई हैं, मैं फिर भी एतराम करता हूं। आप मुझसे बात करें ना, फिर भी एतराम करता हूं। आपसे बात करने तो नहीं है, इस तरह ब्लेम गेम ना करें, इस तरह नहीं। आप लो वॉइस में बात करें, सबूत से। मैं आप मेरे बड़े भाई हैं, फिर भी मैंने अब्बासी साहब एक मैं आपसे एक और सवाल कर रही हूँ। चौहान साहब ये बताइए, इस वक्त मुल्क में ऑपरेशन जारी है, हुकूमत को सियासी हिमायत की भी जरूरत है और सियासी इस्तेहकाम की भी जरूरत है ऑपरेशन की कामयाबी के लिए। सियासी सपोर्ट तो आपने दे दी हुकूमत को, सियासी इस्तेहकाम क्यों नहीं दे रहे हैं आप? देखिए बात यह है कि जब नून लीग की हुकूमत खुद अपने लिए केले का छिलका बन जाए तो फिर उस पर हम क्या करें? अब आप उधर ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब होता है, इधर ये ऑपरेशन ज़र्बे ग़ज़्ब शुरू कर देते हैं। और मैं सवाल पूछूंगा मियां मनान साहब से, बड़े भाई हैं मेरे, आप उनसे बिल्कुल ना पूछे। पहले मेरे बड़े अदब से, बड़े अदब से, आप लोग हर जितना मर्ज़ी मियां मनान साहब बोले, आप लोग भाई हैं, आप हर जुमे को क्या करते हैं? मैं बता, हर कुछ अरसे के बाद एक बड़ा कहीं ना कहीं जलसा, आप मुझे आप इस्तेहकाम दे रहे हैं मुल्क 45 करोड़ रुपए की। आप अपने खानदान और अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां ले लें, इस दहशत गर्दी की जो हमने ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब का जो काउंटर अटैक्स आने हैं उससे बचने के लिए आप 24 लाख के कुत्ते ले लें अपने लिए, और गरीब गरीब जाए भाड़ में। गरीब के लिए कोई जो है रेमेडी नहीं है। गरीब का आलम यह है जनाबे वाला कि इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर हर 3.5 घंटे बाद एक जाति का केस रजिस्टर्ड हो रहा है। आज इंडिया की तरह यहां पे दरख्तों के साथ लटक के जो है वो औरतें अपना इंसाफ जो है वो मांग रही है खुदकशियां करके। मैं पूछता हूं कि मान लिया जी आपने, आपने कहा जी कि प्राइवेट मलेशिया रखने की जरूरत नहीं है और हम इजाजत नहीं देंगे जी मिनाजुल कुरान के दायरे के सामने, प्राइवेट बदमाश रखने की जरूरत है? ये गुल्लू भट्ट की तरह के, ये आतिफ चौधरी की तरह के, ये सफदर जट की तरह के, ये अरशद अमीन चौधरी की तरह के, ये प्रिंस सनी की तरह के, ये गुल्लू भट्ट की तरह के, इस ये रखने की इजाजत है? जो जिहादी जोश और खादमे आला का हो जिहादी जो है वो नारे, और जनाब सुल्तान राई वाला जो है वो जिसे कहते हैं ना स्टाइल, और आपका खादमे आला वाला जोश, वो लेकर पूरी DIG और IG की क्यादत कर रहे हो, ये कहां पे हुआ है?
ये किस मुल्क में हुआ है? आप सियासी इस्तेकाम होने देना, वो खुद को बचाएं या फिर सब फैसले करें। इनकी खातिर अपना जलसा खत्म किया नहीं, 27 को है दोबारा इस वजह से रखा कि इन्होंने तो कत्लो गारत गरी की और जनरल डायर की जो है वो मिसाल जिंदा की। ठीक है, इन्होंने वो जाले वाला बात की मिसाल जिंदा की। फिर तफसील से बात कर लीजिएगा, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जरा इसी बात को कंटिन्यू करेंगे और ये भी देखेंगे कि इनकलाब और इस्लाहात का क्या मिलाप हो सकता है। देखते रहिएगा न्यूज भी लेते हैं। रजा खान साहब, 2013 में ताहिर कादरी साहब जब इनकलाब लाने के लिए इस्लामाबाद आए थे तो आप उनके साथ थे, अब वो फिर इनकलाब लाने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं, आप उनके साथ नहीं है, ये और बात है, लेकिन क्या ख्याल है कि पहले वाला इनकलाब कहाँ जाकर रुक गया था और ये दूसरा इनकलाब जो है ये कहाँ तक जाएगा? मैं जान के लिख के लाया था जी, एक रेवोल्यूशन की डेफिनेशन, रेवोल्यूशन from the Latin revolutio, turnaround is a fundamental change in power or organizational structures that takes place in a relatively short period of time, and also abrupt change in a social order. There is no way that an abrupt change can be democratic. So there is nothing like Jamhuri Inqilab. That's a big joke. ठीक है ना, इनकलाब या इनकलाब होता है या डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी होती है. So the two things can't go together. तो या तो वो कह दें कि जी मैं I don't believe in anything. I am here to launch a sort of a coup, sort of an inqilab, you know, in abrupt change. I tell you what. वो कह रहे हैं जमहूरियत है ही नहीं, but I tell you, वो तो मानते नहीं है जमहूरियत को, आप कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? ये उनकी एक ब्रेन वेव है, जिस तरह की ब्रेन वेव उनको 23 दिसंबर को आई थी लोगों को देख के, उनको कनाडा में बैठ के एकदम ब्रेन वेव आ गई कि नवाज शरीफ वगैरह को डिफेंसिव पे डालने का, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, सीएम साहब हैं, उनको डिफेंसिव पे डालने का ये मौका है एंड स्टफ, लेट्स गो. अब जब उनके जिन में एक चीज आ जाए, ना उनके बेटे, ना कोई नाज़िम आला, ना उमर रियाज अब्बासी साहब, ना इन जैसा कोई और वर्कर, क्योंकि दिस इज अ वन मैन पार्टी, दिस इज अ वन मैन शो, कोई कंसल्टेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं. अगर होता है हर बंदा उनकी बात को एंडोर्स करके निकल आता है. उनकी ब्रेन वेव आई है, सब ने, इमरान साहब ने भी शुरू में जलसा कर दिया था अपना मौखर, सब कुछ हो गया था, आप भी कर देते, नहीं हुआ, फिर वो सैड ट्रेजेडी हो गई. आई एम सॉरी फॉर द लॉस ऑफ लाइफ, आई एम रियली सैड, पीपल हैव डाइड, दैट्स अ वेरी सैड थिंग. ठीक है, लेकिन मुझे दुख ये है, आपने क्यों बैरियर्स लगाए? आपने बैरियर्स की बात शुरू में उठी थी. आई एम फ्रॉम द सेम एरिया, आप मेरे साथ चलिए इंटरनेशनल मार्केट में, बार्बर शॉप में, कहीं पे उस एरिया में, मैं उन बैरियर्स के साथ गुजर के रोजाना जॉब पे जाता था, इनके घर जाता था, इनके घर में मेरी ड्यूटी थी. आंटीज खड़ी हैं गार्डों से, उनकी बहस हो रही है कि यार ये तुमने क्यों बैरियर्स लगाए हैं, द होल एरिया, द होल एरिया, वो भी बता दें, तो बेशक उतारे, उनको भी उतारे बेशक, आई एम नॉट डिफेंड, आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड देम, बट पीपल वर एंग्री, ऑपरेशन नहीं होगा ना फिर, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड द ऑपरेशन, ऑल आई एम सेइंग इज बैरियर्स वर कॉजिंग हेडेक, बैरियर जो थे वो लोगों को तंग कर रहे थे. आप लोगों के मोहल्ले वालों से पूछ लें, एंड आई एम टेलिंग यू दिस, दिस सो कॉल्ड कॉल फॉर रेवोल्यूशन विल फेल, क्योंकि ये वन मैन की एक ब्रेन वेव आई है, आर्मी इज नॉट बिहाइंड दैट, ये शो कराते हैं, ये शो कराते हैं कि जी आर्मी, समझ में आती बात, ये शो कराते हैं कि आर्मी इज बिहाइंड हिम, बट आर्मी इज नॉट बिहाइंड हिम, आर्मी अपनी बिजी है ऑपरेशन में, और ईस्टर्न बॉर्डर पे उधर नरेंद्र मोदी आ गए, व्हाई शुड दे बी डिस्टेबलाइजिंग पाकिस्तान, ये जान के शो कराते हैं कि जी मैं कोई इंकलाब ला रहा हूं एंड ऑल दैट, और मीडिया पीछे लग जाता है एंड ऑल दैट, देयर इज नथिंग लाइक दैट, दिस विल फिजल आउट, जवाब दे दें, फिजल आउट. फिर मैंने जरा आपसे दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी, आप जवाब देना चाह रहे हैं जी, प्लीज. सबसे पहली बात तो ये, इस वक्त मौसूफ जो है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में, चीफ मिनिस्टर साहब ने इन्हें मीडिया कम्युनिकेशन का मैनेजमेंट, कोई मैनेजर नहीं, आई डोंट हैव अ जॉब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई डोंट इवन हैव अ जॉब, आई एम विदाउट अ जॉब, बेरोजगार हूं, आई एम अनएम्प्लॉयड, कहने से कौन सा जितने आप लोगों को बाहर से, तुम्हारा किरदार मशहूर था, तुमने करप्शन किया, निकाले गए, तुम्हारा किरदार नहीं मशहूर, और तुमने करप्शन किया है, करप्शन किया है, सुन रहे हैं, हमने कभी आपको ऐसा नहीं कहा, तुम क्यों कर रहे हो मुझे, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, प्लीज बात तो, तुम क्यों कर रहे हो, इतने लोग देख रहे हैं, प्लीज प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बात ना करें अब्बासी साहब,
जवाब दें आप। कैसी कहा आपने, क्या किसको बुलाया, मुझे पहले बताते किसको बुलाया यार, डोंट टॉक टू मी, तुम मैंने तुम कहा है, मैं मोहतरम कहता हूँ, बात खत्म हो गई, आप और तुम से निकल आए यार, मेरी बात तो सुने, सुन रहे हैं सुनाए, जो शख्स अपनी किताबों की सीडीज की बात करने दे प्लीज, देखे आपकी पूरी बात बड़े तहम्मुल से सबने सुनी है ना, प्लीज प्लीज आप बदमाशी कर रहे हैं, आप बताएं ना फिर जवाब दे, बदमाशी कर रहे हैं, तुमने शुरू किया है यार, तुम करके अबासी साहब इसका मैं मोहतरम कह रहा हूं, उससे बड़ा लफ्ज फिर आप शुरू कर रहे हैं सारा, बस जवाब दें जनाब, अबासी साहब इस्लामाबाद में ये क्या तरीका है, पारस मैंने आज तक ऐसा टॉक शो नहीं देखा, देखें इस्लामाबाद में इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, आप मानते हैं खतरा है, मानते हैं आप इस चीज को, उसके बावजूद आप लोगों को, मैं चेंज कर रही हूँ टॉपिक प्लीज, आपने लोगों को कहा कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट कल चले जाएं, आप बताएं क्या ये दानिशमंदाना बात है आप लोगों की, हर तरफ से दहशतगर्दी का खतरा है, अब पिछली वाली बात में नहीं आना, बस मैं नहीं आऊंगा, हमारा आपने मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कारकुन की बात की कोई बात नहीं कर सकता, गुलाम अली खान हमारे मीडिया का हेड है, उसकी स्टंटिंग हुई, डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने उसके अखराजात बर्दाश्त किए, फोन पे उसकी इयादत की, ऐसा कायद किसी पार्टी के अंदर नहीं होगा जो वर्कर्स से डायरेक्ट रब्ते में हो, मुझे मुझे वो दिल याद है, यही गुलाम अली खान बात नहीं करने दे रहे, आप किस पैनल पे, किस एजेंडे पे, क्या तरीका है, लोग मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, पहली बात तो ये है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी ग्रीन रेवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं और वो यहाँ पे आएंगे, ये उनका अपना मुल्क है, कल भी हम पुरामन थे, हमने छातियां पेश की, गोलियां खाई, फिर भी पुरामन है, 11 मई को भी पुरामन थे, 60 शहरों में, डी चौक में भी पुरामन थे, उस जिस शख्स की फिलॉसफी मिस्टिसिज्म पे है, नॉन वायलेंट है, पीसफुल है, जिसने कौम को आईन और कानून का शऊर दिया, आज अगर कोई एक खड़ा होकर कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी कौम का किसान मजदूर महरूम तबकात आज इसके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह इस इंकलाब का पुरमन इंकलाब का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, मनान साहब टाइम कम है, मुझे बताएं कि ताहिरुल कादरी साहब को आप फुल प्रूफ सिक्योरिटी आप कैसे देंगे, खासतौर पर लाहौर की बात, तो आप लोगों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, किसी और का इस्तीफा लेना पड़ जाए, बढ़ गई है, हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, इनके तमाम कारकुनों के हिफ्ज़ो अमान में रखे, और उस सैड इंसिडेंट से जिसको कोई आदमी पसंद नहीं करता, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, आज मीटिंग हुई है चौहरी निसार साहब बिल्कुल हुई है, और उसमें ये फैसला किया गया है कि इनको अल्लाह के फजल से पूरी सिक्योरिटी जितनी के स्टेट के बस में है वो इनको पूरी, लेकिन एक बात पारस आपने की है कि जिस वक्त हम ऑपरेशन पे गए हैं और हम ये भी खुदा नखास्ता तवक्को कर रहे हैं अल्लाह ताला मुल्क में अमन के कहीं ना कहीं उसका रद्द अमल ना हो, वो ना आपके पास में है ना मेरे पास में है ना स्टेट के पास में है, हम नहीं चाहते कि ये पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं, मजीद इम्तहान में डाल रहे हैं आपको, हमें मजीद इम्तहान में डाल रहे हैं कि अमनो अमान इस वक्त इस मुल्क का दहशत गर्दी के खिलाफ बहुत बड़ा, आप इम्तहान में पास होकर दिखाएं ना, मेरे से आप तो कोशिश तो करेंगे, लेकिन बात यह है कि वो जो हादसा होता है जो धमाका होता है वो अनसीन एनिमी है, आज हमारी बहादुर मुसल्ला फौज, हमारे रेंजर्स, हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी एक पूरी जंग में है, ठीक, और आपको ये भी पता है कि जब IDPs आते हैं मसला है और दस दफा मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बड़े बड़े जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उन्होंने ये फरमाया कि उसमें वो भी आ जाते हैं और उस उनसे तहफ्फुज बहुत जरूरी है, टाइम कम है, ठीक है चौहान साहब, नहीं मेरी दो मिनट मेरी आखिरी बात है, मैं दखल नहीं दूंगा आपके बाद, मैं आखिरी में मैं दखल ही नहीं दूंगा, वफादारी की भाई साहब ने बात की है, वफादारी देखनी है, आप नौजवान हैं, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैंने 12 अक्टूबर से लेकर आज तक मियां नवाज शरीफ से वफादारी और उसके वफादार हैं, जिसको ये गलतफहमी है ना कि नवाज शरीफ हर पार्टी में वफादार जब पता लगे खुलेगा तो पता लग जाएगा, चौहान साहब सिचुएशन बड़ी सख्त है, देखें बात मेरी सुनो, कादरी साहब की आमद आपने सुने, रायवंड महल के अमरूद के बागों की और अमरूद की इतनी सिक्योरिटी है, इतनी सिक्योरिटी है कि चंद अमरूद तोड़ने पे आबद और सैफुल्ला जो है ना वो मौके से फारिग नहीं, बातों ने इंसानी जानों की सिक्योरिटी की कोई अहमियत नहीं है, यहाँ 14 बंदा मरे या 1400 बंदा मरे, यहाँ लोग भूख से मरे, यहाँ लोग फाकों से मरे, आपने जो जन्नत ले आई वो भी पता है, चाहे डाकों से मरे, इनको इससे कोई गर्ज नहीं, मैं आपको एक बात कहूंगा प्रोग्राम के एंड में, जब तक इस पाकिस्तान के अंदर से गुल्लू भट्ट उल्लू भट्ट लल्लू भट्ट और चल्लू भट्ट की सियासत खत्म नहीं होगी, उस वक्त तक इस पाकिस्तान के अंदर ना रूल ऑफ लॉ होगा
ना इस पाकिस्तान के अंदर गरीब और मिडिल क्लास आवाम की इज्जत और वकार का एहतराम होगा और ना इस मुल्क के अंदर सुकून आएगा। हम रूल ऑफ लॉ की जदोजहद कर रहे हैं, यही वजह है कि हमने केपीके के अंदर पुलिस को डिपोलिटिसाइज किया है। दूध की नहीं है, एमएलए और एमपी की जरूरत नहीं है, जन्नत हो गई है। आईजी या सीपीओ को देखने जाएंगे वहां कि इस पुलिस वाले की प्रमोशन कर दो, इसकी प्रमोशन कर दो। तो हम रूल ऑफ लॉ के नंबरदार हैं। हम गुल्लू बट्टों की सियासत मैं एक वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी क्यादत को इन गंदे नामों से उल्लू बाट से मैं जब कहूंगा तो फिर बड़ी आग लगेगी। खबरदार खबरदार, किसी चैनल में किसी क्यादत ने मेरे क्यादत को घटिया नाम बता रहा। हम रोज बाहर रखते हैं कि हम कपड़े उतार देंगे, जेर सदारत क्या हो रहा है, देखेंगे लाहौर के अंदर कितना काम है, कैसे नहीं बता रहा है वो भैया। लाहौर करेंगे बात, मेरी क्यादत नहीं है, मैं नहीं रख सकता। अजीब बात करते हो, ये बात कर रहे हैं आप अपनी जबान पर। आप कहते हैं कि किसी पर्सनल बातें मत करें ना खान साहब, मैं आपसे सवाल पूछ करती हूँ। आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा टाइम खत्म, मुझे शुक्रिया करने का। आप कादरी साहब के साथ हैं या इस्लाहात के ख्वाहिशमंद हैं? बस ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक, रियाज़ुल हसन चौहान साहब, मियां मनान साहब, उमर अयाज़बासी साहब, रज़ा खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। आखिर में एक अहम सवाल ये कि हमारे यहाँ खराबी निज़ाम में है या निज़ाम चलाने वालों में? सोचिएगा अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस खुर्शीद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने जो मसला है।